कैसे दोस्तों, आज बात करेंगे रेस्ट एंड रिकवरी के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या है वो मैं कई बार किसी से पूछता हूँ कि आप कितना रेस्ट लेते हो, तो वो मुझे बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे का। रेस्ट से उनका मतलब होता है स्लीप से, लेकिन रेस्ट का मतलब सिर्फ स्लीप तक सीमित नहीं है। एक्चुअली रेस्ट वो टाइम पीरियड है जितना आपकी बॉडी को लगता है रिपेयर और रिकवर होने में किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद। सो जैसे कि छोटे मसल ग्रुप्स हैं आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स, इन्हें एटलीस्ट 24 से 48 आवर्स का टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल और डाइट सही है तो। वैसे ही बड़े मसल ग्रुप जैसे कि आपके लेग्स, आपकी बैक, आपकी चेस्ट, इनको 48 से 72 आवर्स लगते हैं पूरी तरह से रिकवर होने में, अगर आपकी लाइफस्टाइल और डाइट प्रॉपर है तो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बड़े मसल ग्रुप्स या छोटे मसल ग्रुप्स हैं, इनके 2 सेशंस के बीच में आप एटलीस्ट इतने घंटों का रेस्ट ले रहे हो और आपकी स्लीप और लाइफस्टाइल। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि रेस्ट एंड रिकवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जब कभी भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन ये मसल्स ग्रो और रिपेयर तभी होती हैं जब हम एक प्रॉपर रेस्ट और डाइट लेते हैं। बिना प्रॉपर डाइट के और रेस्ट के हमारी मसल्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करने का, वो है ओवर ट्रेनिंग। अगर हम रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस ना करें तो इवेंचुअली हम लोग ओवर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में या फिर मसल्स में पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इस वजह से इंजुरी के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिकवरी के लिए आपको किन चीजों पर फोकस करना है। वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन एक 2 बेसिक चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पे, लाइफस्टाइल और डाइट। लाइफस्टाइल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे डाइट लेना, अल्कोहल, बैड हैबिट से बचना और लेट नाइट पार्टीज, इस तरह से इन सब चीजों को अवॉइड करना है। और आपको अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रेस जितना हो सके उस चीज से, आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है डाइट। आप सभी को पता होगा डाइट के बारे में, फिर भी थोड़ा बता देता हूं मैं। जो आपके मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इनको तरह से अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रॉपर मैक्रोज रिक्वायरमेंट को आपको। आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं मिथ्स की, कि कौन कौन से मिथ्स हैं। कई लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ही अफवाह है। सबसे बड़ी अफवाह है कार्डियो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कई लोग कार्डियो को रिकवरी टेक्निक समझ भी कैसे लेते हैं, क्योंकि जो कार्डियो है वो आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी है, जिससे कि आपका फिजिकल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो फटीग बढ़ने की वजह से ये बिल्कुल रिकवरी से अपोजिट है। तो दूसरा मिथ है फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निक्स। कई लोग फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निक जैसे कि हॉट योगा या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं रिकवरी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन सेम जैसे कार्डियो है वैसे ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। तो योगा के अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स या फिर बाकी हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन योगा रिकवरी के मामले में एक मिथ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। थर्ड एंड लास्ट मिथ है सोना। काफ़ी मार्केटिंग हो रही है इस चीज़ की, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, सोना इज बेनिफिशियल फॉर रिकवरी, वेयर एज हीट, एक्सेस हीट हमारी बॉडी के लिए वैसे भी सही नहीं है। क्यों आप देखते हो लोगों के घरों में फैंस हैं, एसीज हैं? रीजन ये है कि ज़्यादा हीट हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। सो 15-20 मिनट्स का सोना है, ठीक है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन 30 मिनट से ऊपर अगर आप करते हो सोना, उससे हीट जनरेट होती है, फिर आपकी बॉडी में स्वेट जनरेट होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो ये आपके रिकवरी प्रोसेस को और भी स्लो कर देगा, उससे हेल्प नहीं करेगा। तो इस मिथ को हमें यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, बताना उनको बेनिफिट्स रेस्ट एंड रिकवरी के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, और कमेंट करके बताओ अगर मेरे से कुछ टेक्निक्स छूट गई हो, कुछ आपको पता हो तो। और मिलते हैं कल के चेस्ट के वर्कआउट के लिए।